सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई, इनमें कक्षा 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं जो व्याख्याता हिंदी और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, व्याख्याता यानी लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, इनकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण वीडियो है। कक्षा 12th के विद्यार्थी, उनके लिए बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे इस पाठ में से, यानी आपके आरोह भाग दो जिसके काव्य खंड में से उषा कविता है और वो शमशेर बहादुर सिंह की लिखी हुई है, उससे संबंधित हम आज पढ़ेंगे। व्याख्याता के लिए या वरिष्ठ अध्यापक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है, क्योंकि इस कवि में से के प्रश्न है वो उनके आएंगे, तो इसमें महीन से महीन और अलग से जानकारियां जो है वो इसमें सम्मिलित की गई है। तो आप इसे जो वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, अंत तक देखें, ताकि आपके लिए भी क्लियर हो जाए। और कक्षा 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इनमें से जो लगभग 15 प्रश्न है वो आपके शामिल किए गए हैं, इन 15 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देखें और बोर्ड परीक्षा में इनमें से जो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर हमें कैसे लिखना है, बड़े प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे लिखना है, कौन सी शैली में लिखना है, इसके लिए बहुत ही अधिक सटीक स्वभाव से बनाने का प्रयास किया गया है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए चलते हैं कि इसे शमशेर बहादुर सिंह से संबंधित कौन कौन से प्रश्न है वो आपके बनते हैं। देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ। 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तर प्रदेश में, जो कि वर्तमान में कहां है, उत्तराखंड में है। कहां है ये देहरादून वर्तमान में, कहां है, उत्तराखंड में। इनकी मृत्यु है वो 1993 में अहमदाबाद में हुई। कंपटीशन में इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपके 12th बोर्ड में आपके प्रश्न है वो इसमें पूछा जा सकता है। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं बताइए, कौन कौन सी रचनाएं है जो शमशेर बहादुर सिंह की है। उनमें से है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काज काल तुझसे होड़ है मेरी। ये इनकी शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। कौन सी है, शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। इनमें से जैसे कंपटीशन में यदि प्रश्न आता है तो वो कैसे आता है कि इनमें से शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, तो ये इनमें से एक रचना जो है वो नहीं देकर के किसी दूसरे कवि की रचना दे दी जाती है और वहां से ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए। साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी से और कबीर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा शमशेर बहादुर ने स्वयं को क्या माना है, उर्दू और हिंदी का दोआब। क्या कहा है, उर्दू और हिंदी का दोआब माना है, अर्थात उर्दू और हिंदी पर ये समान अधिकार रखते थे। उर्दू और हिंदी दोनों में इनकी रचनाएं है वो मिलती है, इनके जानकार थे। आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में 9610208295 पर बनाए गए हैं, और इस पर बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग, कंपटीशन क्लास के लिए अलग है, 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है, राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए बनाए गए हैं। तो आप इनमें शामिल हो सकते हैं, शामिल होकर के और इनसे संबंधित प्रश्न है वो लिख सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न है कि उषा कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है, और वो क्या है, सूर्योदय से ठीक पूर्व के समय का, अर्थात उषा काल का। किसका किया है, उषा काल का मतलब है सूर्योदय से ठीक पूर्व का जो समय होता है वो उषा काल होता है। प्रातःकालीन नभ कैसा दिखाई देता है, उषा कविता में वो लिखता है, और वो कैसा दिखाई देता है, नीले शंख जैसा। कैसा दिखाई देता है, नीले संक जैसा। अगला प्रश्न देखिए, अब ये 12th बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उषा कविता में कवि ने आकाश के लिए किन किन उपमाओं का उपयोग किया है, मतलब आकाश जो है उषा के समय आकाश कैसा दिखता है। राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल जिसे लाल केसर से धो दिया गया हो, स्लेट जिस पर लाल खड़िया चूक मल दी गई हो, नीले जल में किसी गौरवर्णी स्त्री की प्रतिछाया झिलमिला रही हो, इत्यादि उपमानों से कवि ने उषा काल को उपमित किया है। इस प्रकार इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।
अगला प्रश्न बोल रहा है कि उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू टूटता है जब सूर्योदय होता है। सूरज उदय होता है तो उषा का जादू टूटता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है कि जादू टूटता है इस उषा का पंक्ति से कवि का क्या आशय है। इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे कि भोर समय आकाश में थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा रहता है, सूर्योदय नहीं हुआ होता है तो आकाश का रंग कुछ कुछ लालिमा लिए हुए दिखाई देता है, कवि के अनुसार जब दिन की शुरुआत होती है तो आकाश में रंग गति और भविष्य का उजास दिखाई देता है, उषा कालिमा को चीरकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का एहसास कराती है, यही उषा का जादू होता है। और जब सूर्योदय हो जाता है, जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का सौंदर्य विलीन हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उषा का जादू समाप्त हो गया है। इस प्रकार आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यानी प्रश्न जो है, जब आप बोर्ड परीक्षा में प्रश्न उत्तर देंगे तो उनके लिए आपको शैली की बहुत जरूरत होती है। यू कह सकते हैं कि जैसे बोर्ड में आप जैसे मान लो 95% या जैसे यू कह सकते हैं कि आप एक हिंदी में 100 में से 100 प्रश्न आप सही करना चाहते हैं, 100 में से 100 अंक आप लाना चाहते हैं, 80 नंबर का आपके पेपर होगा, उसमें से 80 में से 80 अंक आए, तो उसके लिए आपको शैली की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। यदि आपकी शैली अच्छी है तो आपके अंक है वो कटेंगे नहीं। दूसरी बात, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। एक आपकी शैली जो है वो लिखने की वो परिष्कृत शैली होनी चाहिए। और भाषा में, यानी आप जैसे भाषा को सहज और सरल बनाने का प्रयास करें, भाषा है वो सहज होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। इस प्रकार की भाषा यदि आप लिखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके कोई भी किसी भी प्रकार का, यानी प्रश्न के में से कोई अंक है वो कटौती नहीं होगी। वैसे सारे पाठ जो है इनके चढ़ाए गए हैं इससे पहले भी, तो आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस ये प्रश्न आपके बड़ा प्रश्न आता है, आपके बड़ा प्रश्न यानी 5-5 अंकों का प्रश्न। आपने देखा होगा कि बोर्ड परीक्षा में आपके कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनके जिनमें से 5 अंकों के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है, स्पष्ट कीजिए कैसे किया है। इसमें आपको लिखना है, बिंबधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में सूर्योदय से ठीक पहले का वर्णन किया है, प्रकृति के पल पल परिवर्तित हो रहे दृश्यों को अपने अप्रतिम उपमानों के माध्यम से बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि ने ठेठ ग्रामीण उपमानों का प्रयोग कर भोर के समय के आकाश का, आसमान का मार्मिक शब्द चित्र अंकित किया है। इस प्रकार की शैली में आपको लिखना है ताकि आपके अंक कटे ही नहीं। शैली में अंकित किया है, कवि ने प्रकृति के जीवंत परिवेश की कल्पना की है, प्रकृति को गांव की प्रातःकालीन बेला से जोड़कर उसके लिए विभिन्न उपमान सजाए हैं, विभिन्न उपमान सजाए हैं, जैसे भोर समय आकाश का आकाश राख से लिपा हुआ चौका, केसर से धुली हुई काली शील, लाल खड़िया चौक से मली गई स्लेट और नीले जल में गोवर्धन स्त्री की झिलमिलाती हुई देह के समान दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि शमशेर बहादुर ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। ये प्रश्न आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें से यूं कह सकते हैं कि ये प्रश्न है, अगर उषा कविता में से कोई प्रश्न आया तो इसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाएगा, और अन्य कोई प्रश्न मेरे विचार से कोई नहीं बनता है, क्योंकि आपके किताब के अंत में आपने देखा होगा कि जो प्रश्न है वो परीक्षा से संबंधित, उनमें से इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं बनता। लेकिन इसमें से यदि कोई प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो पाठ है वो इससे पहले भी चलता था और उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर प्रश्न था तो वो ये था कि शमशेर बहादुर जो है वो प्रकृति के चितेरे कवि हैं या प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है, स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न, या उषा का जादू टूटता है इससे क्या आशय है, इस प्रकार के प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। आपके लिए 9610208295 इस पर आप जरूर ऐड हो, और संपूर्ण पाठ्यक्रम का यानी हिंदी
कंपलसरी हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सभी के जो प्रश्न है वो अपलोड आपके किए जाते हैं, तो आप अधिक से अधिक इन पर ऐड हो सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।